Hi guys, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hi everyone, कैसे हो आप सब? मैं हूँ विम्पी. सो गाइस किम्पी और कुछ बच. सो गाइस आज है मंडे और आज डेट है 29. और मैंने आपको बताया था ना कि जसप्रीत के मामा जी की बेटी की शादी है. कल सगन था. सगन मैंने मतलब वो वाला जो व्लॉग है मैंने शूट नहीं किया यार, पता नहीं क्यों नहीं किया. और सगन की जो पिक्चर्स है ना मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी धीरे धीरे करके, आप देखना. ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, थोड़ी बहुत क्लिक करी थी बस. और आज मेहंदी है और मम्मी तो अभी ही चली गई हैं वहाँ पर. की टाइम हुआ है सुनो? 12 बजे. हाँ, 12 बजे चली गई मम्मी वहाँ पर. हम नहीं गए क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा अभी छोटी और परेशान बहुत करती है, तो हमने सोचा यार दिन भर कहाँ हम इसे लेकर के घूमते रहेंगे, इसलिए हम शाम को जाएंगे वहाँ पे. और थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब शादी वाला जो माहौल होता है आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है शादी में. और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी चल रही है और जसप्रीत इंजॉय कर रहे हैं अपना आलू का पराठा. मैं तो डाइटिंग पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगी आलू का पराठा. हंस क्यों रहे हो? खा खू के कह रही हूँ मैं नहीं खाऊंगी. यार चुप यार, क्यों बता रहे हो आप किसी को? किसी को कॉफी चल रही है, जसप्रीत आलू का पराठा खा रहे हैं. हमारी कुदरत मैडम वहां बाहर बैठ के धूप इंजॉय कर रही है. वो देखो वो बैठी है अपनी धूप एंजॉय कर रही है. वो बोल रही है हाय. चोनी ओ देखो ध्यान गया शायद इसका. इसके ना मैंने हाथ बांध दिए इसलिए ये ना इरिटेट हो रही है. इसके मैंने हाथ बांध दिए, मैं देखो अंदर है इसके हाथ शॉल के, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है. अभी इसके खोल के आती हूँ. हाँ जी जनाब, सो अभी 1 बजने वाला है और जसप्रीत गए हैं अपने काम पे और आज की तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी है. खैर आज की इतनी कोई खास तैयारी है नहीं वैसे, क्योंकि घर पे ही तैयार होना मैंने. और कल भी मैं एक्चुअली ना घर पे ही तैयार हुई थी, लेकिन पता है क्या हुआ? गुड़िया की आवाज़ आई. आई बेटा आई. यार इसका झूला 2 मिनट भी रुक जाता है ना तो ये रोने लगती है. आ गए बच्चे, ये देखो इसका झूला 2 मिनट रुक जाए ना ऐसे आंखें खोल के बैठ जाती है. इसको बहुत ज़्यादा आदत है झूले की. सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा. नहीं तो गब्बर आ जाएगा बेटा. हाँ जी, सो मैं बोल रही थी कि कल मैं घर पर ही रेडी हुई थी, लेकिन जो मेरा हेयरडू था वो मैंने ना मतलब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, पोनी करूँ या कुछ भी करूँ, बालों का कुछ समझ में नहीं आएगा. तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे जाना चाहिए सैलून, वहाँ से मुझे हेयरडू कराना चाहिए. मैंने अपने जो पास वाला जो सैलून है वहाँ पता किया. वहाँ पर कोई भी मतलब जगह नहीं थी, जगह इन द सेंस सब के सब बुक था, सब मतलब कोई भी फ्री नहीं था. तो फिर मुझे एक आइडिया आया, मुझे लगा कि यार जो छोटे छोटे पार्लर होते हैं ना इलाके में, जो छोटे छोटे पार्लर बने होते हैं, तो मुझे लगा वहाँ जाती हूँ, वहाँ तो भीड़ नहीं होगी, कोई ना कोई तो फ्री होगा ही होगा. तो मैं वहाँ पर गई. तो लकीली मुझे मतलब वहाँ जो आंटी थी उन्होंने बोला कि हाँ मैं फ्री हूँ, आप हेयरडू करा लो. लेकिन जो उन्होंने हेयरडू किया मैं इतना सा भी सेटिस्फाई नहीं थी उस हेयरडू से. आपने अभी पिक्चर्स में देखा ही होगा कि पता नहीं क्या यार मुझे अजीब सी बना दिया था उन्होंने. एक तो वैसे ही मैं इतनी मोटी हूँ, ऊपर से उन्होंने इतना बड़ा बन बना दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था और मेरे पास ज़रा भी टाइम भी नहीं था. और उन्होंने बैक कॉम्बिंग इतनी बुरी करी थी, इतनी बुरी करी थी कि यार मतलब वो बाल धोने के बाद भी नहीं खुल रही थी. मतलब अभी तक मैंने जितने भी हेयरडू कराए हुए हैं उनमें क्या था, मैं जैसे ही बालों पे जैसे ही पानी जाता था वो बैक कॉम्बिंग अपने आप खुल जाती थी. और कल का जो उन्होंने हाल किया मेरे बालों का, ओए होए होए, मुझे पता सीरम लगा लगा के मैंने अपने बालों को सुलझाया.
और मुझे उनका जो बन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो बनाया मेरे बालों में, ऐसा लग रहा था घोंसला सा बना दिया। और मुझे यहाँ की अभी सफाई वगैरह भी करनी है। ये देखो, ये था वो सूट जो मैंने कल पहना था। सूट बहुत ही ब्यूटीफुल आया था, मतलब स्टिच हुआ था, लेकिन यार मतलब वही मैं ना मैं सेटिस्फाई नहीं हुई अपने हेयर डू के साथ। ये देखो खलारा मैंने पाया कल। ये मैंने बैंगल्स पहनी थी। ये तो खैर मेरी शादी वाली इयर रिंग्स है, तो मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो मैंने ये पहने नहीं, इसे मैंने ऐसे ही रखे रहने दिया। और ये वाला सेट मैंने कल पहना था, छोटू सा सेट। ये पता क्या हुआ, मैं ना पहले सेट पहनना भूल गई, फिर उसके बाद मैं इसे जब पहनने लगी अपने हेयरडू के बाद, और ये मुझे आ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने ना फंसाया, मतलब ऐसे कर कर के, मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने कल ये पहना था। मुझे लगा मुझे मतलब ऐसे ही जाना पड़ेगा, बिना इसके जाना पड़ेगा, बट मम्मी ने ना बड़े आराम से पहना दिया मुझे। ये मैंने बैंगल्स पहनी थी। और यार ये पता, ये ना मस्कारा मैं परसों लेकर के आई थी, मैंने मेबलिन का लेना था, लैक्मे वगैरह का लेना था, बट उनके पास यही वाला मौजूद था, तो मुझे लगा चलो यार एक दिन काम चलाती हूँ। मैं लेकर आई हूँ, मतलब सूखा पड़ा बिल्कुल अंदर से, ऐसे लग रहा कुछ है ही नहीं। मैंने इसको गर्म पानी में भी डाला, फिर भी यार इसका कुछ भी नहीं नज़र आया इफेक्ट, तो ये बिल्कुल ड्राई हुआ पड़ा था। इतना बेकार मस्कारा यार, ब्लू हेवन का है ये, एक्सप्रेशन करके, मुझे नहीं पता ये कैसा है कैसा नहीं, बट मेरे को जैसा रिसीव हुआ बिल्कुल ख़राब सा, बेकार सा। तो ये सारा सामान है, मुझे ये सारा साफ़ करना है, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सब पहन चुकी हूँ मैं, तो ये सब क्लीन करते हैं फटाफट से। हाँ जी, सो अभी 3:15 हो रहे हैं। कुदरत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कभी उठ रही कभी रो रही है, कभी सो रही है कभी उठ रही है, कभी रो रही है कभी सो रही है। और यार अभी ना ये सब हमारा चल रहा है, लंच वगैरह हमने बनाया नहीं। शाम को हम, कल शाम को हम बाहर थे और आज भी शाम को जाना, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, फिर पड़ा रहता है यार, एक्स्ट्रा बन जाता फिर पड़ा रहता है और ख़राब होता है, अच्छा नहीं बनाते। और बस इसलिए अब यही सब चल रहा है, साथ में ये और इसको झूला शूला दे रही हूँ। गाइज़ अभी हम जस्ट निकलने लगे थे और मैक्स की जो तबीयत है वो अचानक से ख़राब हो गई। इसे ऐसा अटैक जो पहले भी बहुत बार आया है, लेकिन इस बार बहुत टाइम बाद इसे ऐसा हुआ है। बस हम अभी निकलने ही लगे थे, थैंक गॉड, भगवान जी की शुक्र है कि हम निकले नहीं अभी। अच्छा बच्चा, खड़ा हो गया। मैक्स चलो, आई थिंक 7:45 हो रहे हैं और हम निकलने चलो, लगे चलो, थे। ठीक हो गया मैक्स, बिल्कुल ठीक हो गया। देखो थैंक गॉड यार, ये ठीक हो गया। हाँ हले भी थोड़ा सा है, लड़खड़ा रहे हैं। मैक्स मैक्स चलो नीचे, चलिए चलो जाना नीचे। नहीं ठीक है हम, ठीक है। सुनो तुसी हैंड वॉश कर लो अच्छी तरह। वो तो बाद में होगा ना, पहले ये कल ही तो आ जाएंगे ना, एक बार के दो। अबे एक मिनट, नहीं बच्ची ला रही है ना, वो ऐसे करके ना फिर जाएंगे सीधा आगे पीछे नहीं होगा। उसमें होंगे एक हाथ के आज करके थोड़ी करिए।
पहला पीछे वाला ये देखो जी हमारी दुल्हनिया ये दुल्हनिया की बहन आज बड़ा भाव खा रही है हमारी दुल्हनिया। वैसे हमेशा बोलती रहेगी फोटो खींचो और अब इतना भाव खा रही है उधर कितनी पता नहीं जैसे कितनी सुंदर लग रही है मुझे तो अच्छी नहीं लग रही नहीं पड़ी गई। देखो देखो भाव खा रही है देखो सब बिजी है। हेलो तो बोल दो सबको भाव खा रहे मुझे पता है। हेलो भाभी देखो जरा दुल्हनिया कितना बोलती है हे राम। प्लीज सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन सबको देखने चाहिए विम्पी वो देखो पतिदेव मेरी सेवा कर रहे हैं। ये देखो अम्मी या मैडम खाएंगी मुझे पूछेंगी भी नहीं वो लेके आता खाना जरा खाना जरा ये लो खाओ आप खाओ खाओ तो सही शुरू करो। ये देखो सूंग यम्मी कोई कमी पेशी नमस्ते। Thank you.
हाय एवरीवन, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे फेस को जो है वो इग्नोर करना, क्योंकि मैंने कल रात को काजल जो है वो रिमूव नहीं किया. मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था कल, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास आने के बाद जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसको भी सुलाना होता है तो टाइम नहीं बचेगा. इसलिए मैंने सोचा कि यार घर घर के लोग होंगे तो मेकअप वेकअप कुछ नहीं करना, सिर्फ काजल लगाओ, आईलाइनर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ और चलो. तो मैं कल ऐसे ही चली गई थी और आने के बाद ब्रश किया मैंने, इसके लिए पानी बॉयल किया और मैं बस लेट गई, मतलब इसके साथ मैं बैठ गई. इसलिए प्लीज़ आप मेरे फेस को जो है टोटली इग्नोर करना. कल का जो व्लॉग है वो मैं एंड करना भूल गई थी, मतलब टाइम नहीं मिला. तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी वीडियो में. सो बाय बाय एंड टेक केयर.